बच्चों, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझाया था। इस लेक्चर में मैं आपको मेंडल का डाईहाइब्रिड क्रॉस समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था कि मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। उसने 1857 से 1865 यानी लगातार 8 वर्षों तक टी प्लांट, जिसको हम बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सेटाइवम, उस पर रिसर्च किया था। और ये रिसर्च किया था, ये जानने की कोशिश की थी कि पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग होती है, जो माता पिता से संतान पैदा होती है, उसमें क्यों वेरिएशन आते हैं। यानी माता पिता की संतान माता पिता की तरह क्यों नहीं होती है। अगर भाई बहन है तो आपस में इतने क्यों नहीं मिल पाते हैं, उनकी शक्ल में या उनके गुणों में कुछ चेंजेस आते हैं, वो क्यों आते हैं। इसी को लेकर मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस किया था पी प्लांट पर। और पी प्लांट को उसने इसलिए चुना था क्योंकि एक तो उसका लाइफ टाइम कम होता है, उसमें करेक्टर्स ज्यादा होते हैं जो हम आंखों से ही देख पाते हैं, माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती है, रिजल्ट जल्दी मिल जाते हैं। तो पी प्लांट पर उसने जब डाईहाइब्रिड क्रॉस किया तो उसको क्या परिणाम प्राप्त हुआ, ये मैं आपको इस टॉपिक में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 2 जनरेशन प्राप्त की थी और उसके आधार पर 2 नियम दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेपरेशन ऑफ करेक्टर्स। तो उसमें बताए थे कि अगर डोमिनेंट करेक्टर है और उसके सामने रिसेसिव है तो रिसेसिव करेक्टर शो नहीं होगा। और सेकंड में उसने बताया था कि अगर डोमिनेंट करेक्टर को अलग कर दिया जाए, रिसेसिव करेक्टर को अलग कर दिया जाए, तो डोमिनेंट करेक्टर तो शो होता ही है, रिसेसिव करेक्टर भी शो होता है। आइए अब हम समझते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। इस क्रॉस में मेंडल ने एक की जगह 2 करेक्टर लिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर मेंडल ने जो मटर का दाना होता है, मटर का जो बीज होता है, उसका कलर लिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 ऑप्शन है कलर के, येलो एंड ग्रीन। यहाँ पर येलो जो है वो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है। एक उसने लिया उसकी शेप, तो यहाँ पर उसने बताया एक तो राउंड और एक रिंकल्ड। राउंड जो है वो यहाँ पर डोमिनेंट करेक्टर है और रिंकल जो है वो यहाँ पर रिसेसिव करेक्टर है। तो येलो के लिए हमने कैपिटल वाई लिया है, राउंड के लिए कैपिटल आर लिया है, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई लिया है, रिंकल के लिए स्मॉल आर लिया है, ये पेरेंट हो गए। अब इसको हमने गैमेट में कन्वर्ट किया, गैमेट्स बनाए मियोसिस के थ्रू, तो यहाँ पर एक गैमेट्स बन गए। अब ये गैमेट इस वाले गैमेट के साथ रिएक्शन कर रहा है। आप ध्यान से देखें, दोनों में क्रॉस हो रहा है और क्रॉस होने से ये प्राप्त हो रहा है अपने को। यहाँ पर इसी तरह से ये इससे क्रॉस करके ये बना रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो जनरेशन मिली उसको नाम दिया F1 जनरेशन। इस F1 जनरेशन में जितने भी पी प्लांट हुए उन सब के जो सीड्स थे वो राउंड थे, येलो थे एंड राउंड थे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर येलो क्या है, डोमिनेंट करेक्टर है, तो ग्रीन यहाँ पर शो नहीं होगा और रिंकल भी यहाँ पर शो नहीं होगा। तो इस तरह से येलो एंड राउंड सारे बीज बन गए। अब मेंडल ने इस क्रॉस को आगे बढ़ाया, इससे उसने मेल गैमेट और इससे उसने फीमेल गैमेट बनाया और यहां पर 16 कॉलम का एक चेकर बोर्ड बनाया। जैसे लास्ट वाले टॉपिक में हमने देखा था कि 4 कॉलम का एक चेकर बोर्ड बना था, इसमें 16 कॉलम का चेकर बोर्ड बना। क्यों? क्योंकि 4 मेल गैमेट है और 4 ही फीमेल गैमेट है। देर आर 4 मेल गैमेट एंड 4 फीमेल गैमेट, सो 4 4 जा 16। उसमें 2 मेल गैमेट थे, 2 फीमेल गैमेट थे, 2 2 जा 4 कॉलम का चेकर बोर्ड था, इसमें 4 4 जा 16 कॉलम का चेकर बोर्ड है। अब इस चेकर बोर्ड के थ्रू उसने ये बताया, जब रिजल्ट निकला तो उसको F2 जनरेशन नाम दे दिया गया और उसमें उसने फिनोटाइप और जीनोटाइप जो रेशो थे वो निकाले। मेंडल ने बताया कि इन 16 प्लांट्स में 9 प्लांट्स ऐसे हैं जिनके बीज गोल हैं और पीले हैं, मीन्स राउंड और येल्लो। 3 पौधे ऐसे हैं जिनके बीज येल्लो तो है लेकिन रिंकल्ड है। 3 पौधे ऐसे हैं जिनके बीज ग्रीन है लेकिन राउंड शेप में है। और 1 पौधा ऐसा भी है जिसके बीज ग्रीन है और रिंकल्ड है। और इनका जीनोटाइप जब निकाला गया तो जीनोटाइप निकला 1:2:2:4:1:2:1:2:1:2:1। तो इस तरह से फिनोटाइप और जीनोटाइप उसने रेशियो यहां पर निकाले। और इसी के बेस पर, डाईहाइब्रिड क्रॉस के बेस पर, मेंडल ने जो अपना लॉ था, 3rd लॉ वो दिया। उसने बताया कि ये जो करेक्टर होते हैं, जो गैमिट बनते हैं,
गैमेट में जो फैक्टर्स जाते हैं, करेक्टर्स जाते हैं, ये सब अपने आप होता है और इसमें हम हमारी मर्जी नहीं लगा सकते, ये अपने आप होने वाली एक प्रक्रिया है। इस तरह से उसने इस डाईहाइब्रिड क्रॉस के माध्यम से अपना थर्ड जो लॉ था वो प्रस्तुत किया। आपको लेक्चर पसंद आया, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल MK Jain Classes Kota उसको ज़्यादा से ज़्यादा